स्टूडेंट, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सिक्स। क्वेश्चन नंबर सिक्स बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का वैल्यू निकालना है। तो 23/x इक्वल टू 2/-8। तो हम ये वाला पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, फिर इसको हम रिवीजन करेंगे आज। तो देखो कैसे होता है ये प्रॉब्लम, तो इसका सोल्यूशन। तो 23/x इक्वल टू -2/-8। तो यहाँ मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ, 23/x इक्वल टू 2/-8। अब मुझे क्या करना है, एक्स का वैल्यू फाइंड करने के लिए मुझे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। मतलब मुझे पहले एक्स के साथ 2 मल्टीप्लाई करना है, फिर -8 के साथ 23 मल्टीप्लाई करना है। ये वाला हम पढ़ चुके हैं पहले भी, तो अब हम कर लेते हैं कितना आंसर होगा इसका। देखो तो इस जो 2 के साथ एक्स मल्टीप्लाई हुआ कितना हो गया, ये हो गया 2x और -8 मल्टीप्लाई विथ 23। तो -8 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 23 के साथ, तो हमें नेक्स्ट यहाँ पे इम्प्लेसन होगा, यहाँ पे इम्प्लेसन। तो एक्स का वैल्यू कितना निकला, ये होगा -8 × 23/2। 2 इधर आ गया तो डिवाइड हो गया, 2 1 जो ये होगा 4 जो। तो मेरा आंसर कितना होगा, -4 × 23। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा वैल्यू होगा 4 3 जो 12, कैरी 1 ये होगा 9, तो -92। एक्स का वैल्यू होगा -92। अब हम करेंगे बिट 2, x/9 इक्वल टू 19/3। तो यहाँ पर देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ, कितना होगा 3 × x कितना हो जाएगा 3x, इम्प्लेसन दे दो, 3 × x इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, इसके साथ ये मल्टीप्लाई, इसके साथ ये मल्टीप्लाई, 3 × 3x हो गया। उसके बाद ये कितना 19 × 9, फिर x का वैल्यू निकलेगा कितना 19 × 9/3। तो ये कट गया 3 जो, तो 19 3 जो 57, x इक्वल टू 57। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर बिट 3। यहाँ पर भी ऐसे ही होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, x के साथ पहले ये मल्टीप्लाई होगा, फिर ये मल्टीप्लाई होगा, तो कितना हो गया -x × 1 इक्वल टू ये हो गया -7 × 15। तो यहाँ पर -x इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको हम ऐसे लिख देंगे, हम लिखेंगे तो ये माइनस ऐसे लिख लो, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं -1 × x। तो ये हो गया इक्वल टू -7 × 15। तो ये x का वैल्यू कितना निकला, -1। तो ये माइनस, ये तो क्या आंसर कितना हुआ, 15 × 7 = 5, -105 हुआ बाय -1। तो -1 कैंसिल, तो हमारा x का वैल्यू निकला 105। ये हुआ x का वैल्यू 105। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे, कंपेयर द नंबर इन द फॉलोइंग पेयर्स, कंपेयर करना है हमें। तो कंपेयर करने के लिए पहले हम क्या करेंगे, हमको पता है जितना सब रैशनल नंबर है, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर देना है हमको। तो देखो ये वाला स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ये फ्रैक्शन स्टैंडर्ड फॉर्म में है, बट ये वाला फ्रैक्शन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, मतलब ये वाला जो रैशनल नंबर है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो हमको कंपेयर करना है, तो देखो तो ये वाला नंबर नहीं है, तो उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर दिए। तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज, अब चेंज कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते, ऐसे भी कंपेयर हो सकता है, बट आई थिंक स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर देना ही बेटर होगा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज मैं यहाँ पर किया नहीं हूँ, मैं कर देता हूँ स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो ये इसको आप कर दो, कितना -5/7, और ये इस तरफ हो गया -13/9। अब हम दोनों को कंपेयर करना है, तो हमको बोला था कौन सा रूल है, कभी भी कंपेयर क्वेश्चन अगर आए तो मैं क्या बोला था, राइट हैंड फर्स्ट। मतलब पहला कौन सा होगा, ये वाला होगा, 9 मल्टीप्लाई होगा -5 के साथ। कंपेयर जब भी आए तो राइट हैंड फर्स्ट, मतलब ये वाला पहले। तो कितना हो जाएगा, 9 मल्टीप्लाई होगा -5 से, तो आंसर होगा -45। फिर 13 मल्टीप्लाई, -13 मल्टीप्लाई होगा 7 से, कितना होगा आंसर, -91। तो ये हो गया -91। तो कौन सा बड़ा है, तो -45 बड़ा है, इसका मतलब ये वाला फ्रैक्शन बड़ा होगा। ठीक है, ये होगा हमारा आंसर। उसके बाद बिट 2, -4/9 -3/7। देखो यहाँ पर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म कर दिया है, अब हमको क्या करना है, कंपेयर करना है। तो कंपेयर जब भी कंपेयर क्वेश्चन है, तो मैं क्या बोला था, राइट हैंड फर्स्ट। तो पहले ये वाला होगा, ठीक है, उसके बाद ये वाला होगा ना। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कितना, 7 × -4 कितना हो जाएगा, -28। तो -100 हो गया, और 9 × -3 कितना हो जाएगा, -27। तो
कौन सा फ्रैक्शन बड़ा होगा? -27, इसका मतलब जो ये फ्रैक्शन बड़ा होगा तो -4 बहन है, जो क्वेश्चन हमारा ये वाला फ्रैक्शन ग्रेटर होगा। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का मैंने यहाँ क्वेश्चन नहीं लिखा है, लिख देते हैं। 3 क्वेश्चन है -3/5 -3/-5 और एक नंबर और एक रेशनल नंबर दिया 12/20। सारे क्वेश्चन लिख लेता हूँ पहले, उसके बाद बिट फोर दिया है -4/5 ये वो -5/4, उसके बाद बिट फाइव दिया है 5/7 एब्सोल्यूट वैल्यू, उसके बाद रख दिया -15/21। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, -3/-5 और 12/20, तो उसको हम कैसे करेंगे देखो, तो कंपेयर करना है ना हमें, तो कंपेयर करने के लिए प्लस ट्रांसफॉर्म कर देते हैं इसको, तो रहना तो ट्रांसफॉर्म रहना ऐसे ही कर देते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं, तो राइट हैंड फर्स्ट, तो क्या रूल है, 20-3 कितना हो जाएगा आंसर, -60। अब मैं जल्दी से करता हूँ, 20-60 ये हो गया -60, -5 और 12 ये हो गया 6-60। ठीक है, तो कौन दोनों इक्वल है, तो ये दोनों इक्वल है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को करते हैं पहले, अब -4/5 -5/4 ये क्वेश्चन खत्म हो चुका है, इक्वल होगा -4/5 और पहले इसको चेंज करो, पहले एब्सोल्यूट वैल्यू निकालो इसका, एब्सोल्यूट वैल्यू कितना हो जाएगा, एब्सोल्यूट वैल्यू होगा 4/5, हमेशा पॉजिटिव होगा, 4/5 ये होगा 5/4, तो कौन सा बड़ा है, 4/5 ये 5/4, तो कौन सा बड़ा, राइट हैंड फर्स्ट, तो कितना 4×4=16 ये हो गया 5×5=25, कौन सा बड़ा, ये वाला बड़ा, इसका मतलब ये वाला फ्रैक्शन बड़ा होगा। नेक्स्ट बिट फाइव ये हो गया 5/7 ये हो गया, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू कितना हो जाएगा, पॉजिटिव होगा 15/21, राइट हैंड फर्स्ट, तो कितना हो गया 21×5 कितना हो जाएगा 5 105, फिर 15/7 105, तो ये दोनों इक्वल हो गए, ये दोनों इक्वल है। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर बिट 6, तो इसका पहले एब्सोल्यूट वैल्यू निकालो, ये कितना हो जाएगा 8/9 ये हो गया 3/9, कंपेयर करना है तो राइट हैंड फर्स्ट 8×9=72 9×3=27 ये वाला बड़ा हो जाएगा, इसका मतलब ये फ्रैक्शन बड़ा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, फिल इन द ब्लैंक्स 3/5। हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8, तो क्वेश्चन नंबर 8 है फिल इन द ब्लैंक्स 3/5 इक्वल टू 138 बाय, यहाँ पर बॉक्स दिया है, इस बॉक्स को फिल करना है हमको, तो सपोज पकड़ लो, लेट कर लो कि ये जो बॉक्स है इसका वैल्यू एक्स है, मतलब यहाँ पर एक्स है, मतलब यहाँ हम पकड़ लेते हैं यहाँ पर एक्स है, अब हमको सॉल्व करना है, तो यहाँ पर एक्स लेने के बाद देखो कि यहाँ पर क्या हो गया, तो 3/5 = 138/x, तो हमें इसका वैल्यू निकालना है, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, फिर 3×x कितना हो गया आंसर 138×5, तो एक्स का वैल्यू कितना हुआ, एक्स का वैल्यू 138×5/3, तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो ये 3 से कट जाए, 3 1 जा, ये 3 से होगा 4 3 जा 12 कैरी 1 18 6 जा 6 3 जा 18, अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 46×5, तो एक्स का वैल्यू कितना हुआ 5×6=30 कैरी 3 20 23, 230 हुआ एक्स का वैल्यू, एक्स का वैल्यू यहाँ पर होगा 230। नेक्स्ट बिट 2, तो यहाँ पे भी देखो इस बॉक्स को हमने एक्स ले लिया है, तो यहाँ पे जो एक्स का वैल्यू होगा, यहाँ मैं लिख देता हूँ एक्स का वैल्यू होगा 230, तो इस बॉक्स में वैल्यू होगा 230, फिर यहाँ पर इस बॉक्स का वैल्यू एक्स ले लो, तो ऐसा हो जाएगा 7/9 = x/108, तो ये हो गया 9×x, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, यहाँ पर राइट हैंड नहीं देखो, हमेशा कंपेयर में ही देखना है राइट हैंड फर्स्ट, यहाँ पर मिसिंग नंबर में आप कोई भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, मुझे पता है हमेशा लीनियर इक्वेशन में एक्स का वैल्यू LHS की तरफ रहता है, इसलिए मैंने 9 के साथ एक्स मल्टीप्लाई किया है ताकि ये इस तरफ रहे, तो 9×x ये हो गया 108×7, तो यहाँ पर एक्स का वैल्यू हो जाएगा 108×7/9, तो 9 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा 9×1=9 ये होगा 9×1=9 कैरी 1 18 9×2=18, तो 12×7=84 एक्स का वैल्यू 84। ठीक है, बिट थ्री क्वेश्चन है यहाँ पर, तो यहाँ पर एक्स एक्स ले लो,
तो क्वेश्चन कैसा हो जाएगा, एक्स बाय माइनस 15 इक्वल टू 48 बाय 90। ठीक है, तो ये हो गया 9 इंटू एक्स, यहाँ पर लिख देता हूँ 9 इंटू एक्स इक्वल टू कितना हो गया 48 इंटू 15 माइनस 15। यहाँ पर एक्स का वैल्यू हो गया 48 इंटू माइनस 15 बाय 90। एक्स का 90 मल्टीप्लाई हुआ इधर आ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो अब हम इसको लोएस्ट टर्म करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 3 से अगर काटोगे तो ये 30 हो जाएगा, फिर 3 से ये भी होगा तो 16, 3 से 48, फिर अगर इसको करोगे तो ये हो जाएगा, 2 से करोगे कितना हो जाएगा, ये होगा 15, ये हो गया 8। ये देखो 15 15 कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया माइनस 1। ठीक है, तो x का वैल्यू कितना हो गया, तो x का वैल्यू होगा माइनस 8। या फिर आप ऐसे भी कर सकते थे, 15 से कर सकते थे, 15 से डायरेक्ट इसको काट सकते थे, 15 से इसको लोएस्ट टर्म करके ऐसे कर सकते थे, ऐसे भी आंसर निकल जाता। सॉरी ये डायरेक्ट कट जाएगा, 15 6 90 डायरेक्ट कट जाएगा, फिर 6 से इसे कर देते तो हो जाएगा, फिर ये 15 से ये हो गया 6, 6 से ये डायरेक्ट कट जाता, आंसर होता 8, क्योंकि 8 6 48 होता है। ऐसे भी कर सकते हो, ये थोड़ा मैंने लॉन्ग कर दिया है, आप चाहो तो इसे डायरेक्ट से काट सकते हो ऐसे 15 से। फिर यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक्स ले लो, यहाँ पर एक्स ले लो, तो ये हो जाएगा कितना, माइनस 11 इंटू एक्स इक्वल टू ये इंटू है माइनस 11 इंटू एक्स इक्वल टू 12 इंटू 121। तो यहाँ पर एक्स का वैल्यू हो गया तो 12 इंटू 121 डिवाइड बाय माइनस 11। ठीक है, तो यहाँ देखो ये 11 से ऐड कर जाएगा, 11 इंटू 11 121 होता है, ये माइनस 1 ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो हमको मल्टीप्लाई करना है किसको, मतलब माइनस 12, ये माइनस 1 ऊपर चला जाएगा, माइनस 12 इंटू 11। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आंसर आएगा माइनस 132। ठीक है।